एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रूपा और आज मैं आ गई हूं इजी लंच बॉक्स रेसिपी आनियन राइस के साथ। ये लेफ्टओवर राइस से भी आप लोग बना सकते हो लेकिन खाने में एकदम मस्त बनते हैं। एक बार ट्राई करके देखिए, आप लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनते हैं इजी लंच बॉक्स रेसिपी आनियन राइस। लेट्स बिगिन। इजी लंच बॉक्स रेसिपी आनियन राइस बनाने के लिए मैंने चढ़ा दिया है पैन और अभी ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून रिफाइन ऑयल। ऑयल हमारी गर्म हो गए है, ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून जीरा और साथ ही साथ ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स। ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून चना दाल, 1 टीस्पून उड़द दाल, साथ ही साथ ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून पीनट्स, ऐड कर दूंगी थोड़ा सा करी लीव्स और अभी सारे चीजों को मिला के फ्राई कर लूंगी। मसाला हमारी फ्राई हो गए है, अभी ऐड कर दूंगी 2 मीडियम साइज का आनियन थिनली स्लाइस किए हुए और मिला के बहुत अच्छे से फ्राई कर लूंगी। आनियन हमारी फ्राई हो गए है, ऐड कर दूंगी 2 रेड चिली और इसको भी मिला के फ्राई कर लूंगी। सारे चीज हमारी फ्राई हो गए है, ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट, मिला दूंगी। अनियन हमारी बहुत अच्छे से फ्राई होके एकदम रेडी है तो अभी ऐड कर दूंगी कुक्ड राइस। ऐड कर रही हूँ राइस, कोई भी राइस आप यूज कर सकते हो। अभी हल्का हाथों से मिला दीजिए, एकदम हल्का हाथों से कीजिए। इस टाइम में ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार सॉल्ट, ऐड कर देंगे 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला, इससे स्वाद बहुत बढ़ जाते हैं और बहुत अच्छा एरोमा भी आते हैं। अभी एक बार बस मिला दीजिए। देख लीजिए मेरी इजी लंच बॉक्स रेसिपी आनियन राइस एकदम रेडी है। चलिए इसको सर्व कर देती हूँ। देख लीजिए मेरी इजी लंच बॉक्स रेसिपी आनियन राइस अभी एकदम रेडी एंड सर्व्ड। कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी ना तो मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।